नमस्ते भाइयों। तो आपको तो पता ही होगा अभी इसराइल और पैलेस्टाइन में कितना बड़ा वार हो रहा है, और अभी अभी जस्ट रसिया और यूक्रेन ख़त्म भी नहीं हुआ है, और अभी इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच हुआ। लेकिन पैलेस्टाइन वाले कुछ ऐसे किए कि वो कभी मतलब सोच भी नहीं सकते थे। वो 20 मिनट में 5,000 रॉकेट छोड़े, जिसमें कि 2,000 तो डिस्ट्रॉय हो गया यार डिफेंस टेक्नोलॉजी की वजह से, बट यार 3,000 सोच रहे हैं। सुबह सुबह लोग सोए होंगे और आपको पता ही नहीं, मतलब सोए सोए आपका मौत हो जाए आपको पता नहीं। तो बहुत भयानक हुआ था, बहुत ही दर्दनाक मंजर था। तो बस ये है, उसका वीडियो थोड़ा सा आप देख सकते हैं, बहुत है। और जिसमें कि बहुत सारे इंडियन लोगों को हमारे नरेंद्र मोदी जी वापस ला रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो चलो देखते हैं वो वीडियो कितना भयानक था वो वीडियो। Yumna, please take cover. If you are in a position to do so safely, you... ...happening. If you are not in a position to do so safely, yes. Then please get to safety. This is a missile attack on Palestine Tower, right in the middle of Gaza City. אם הפנים למטה כולם, אם הפנים למטה חמודי הכל בסדר. बस इस वार से कुछ नहीं होगा भाई, आपस में मिलजुल के बात कर लो। क्यों यार बेचारे मासूम लोगों के ऊपर आप इतना अत्याचार कर रहे हो, जिससे कि वो लोग कुछ किए ही नहीं है, लेकिन उनको वो सब भुगतना पड़ रहा है जो उनका वजह से नहीं हुआ है। लेकिन यार उसको थोड़ा सा ये करो, बातचीत करके जल्दी ख़त्म करो, क्योंकि बहुत दिन से ये मैटर चल रहा है, अभी तक भी सॉल्व नहीं हुआ है। तो इसीलिए और हम प्रे कर रहे हैं कि ये जल्दी ख़त्म हो जाए, सब मिलके प्रे करते हैं कि ये जल्दी ख़त्म हो जाए और ज़्यादा दिन ना चले और जल्दी ही सब सुलह हो जाए, इससे कुछ बड़ा अनहोनी भी ना हो। तो बस वीडियो को ये पेंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।